फ्रेंड्स, हम लोग सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जरूरी नहीं है जो भी आप ऑनलाइन चीजें देखो वो सारी सच हो. सो बिफोर यू राइट एनी शिट अबाउट एनीबॉडी, एक बार सोच के देखो कि यार उसके दिल पे क्या बीतेगी. अपनी नफरत निकालने के लिए आप दूसरे की जिंदगी खराब कर रहे हो. सो जस्ट बिकॉज वो क्या लगता है कि इजी लाइफ है, हंसते रहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, उसकी उसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये हम आपको बहुत कम बताते हैं. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं. आप सभी को मालूम होगा कि संभावना सेठ की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही. काफी टाइम से वो बीमार चल रही थी और उनकी अचानक डेथ हो गई. डेथ होने के बाद संभावना के हस्बैंड अविनाश ने संभावना के अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि संभावना की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही. आप देख सकते हैं नीचे अविनाश का नाम भी लिखा है. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने संभावना को ट्रॉल किया कि माँ की डेथ हो गई और अकाउंट पर आ गई. इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इसको फोन चलाने का टाइम मिल जाता है. जो पोस्ट डाल जाती तुरंत जैसे इंस्टा वाले सब पहुंच जाएंगे. मम्मी जिसकी जाती है उसको होश तक नहीं होता. इस पर काजिम इज़ना ने जवाब देते हुए लिखा, बाजी आंखें खोले, रोशनी बढ़ाएं. उन्होंने की और अपनी आंखों की अविनाश ने की है ये पोस्ट. इसके अलावा संभावना के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं कि संभावना अपनी माँ को लेकर इतना ज्यादा रोती है. माँ बीमार है, माँ के पास ज्यादा नहीं रहती थी और माँ की बीमारी के वक्त कश्मीर दुबई घूम रही. अब संभावना के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि संभावना की माँ काफी सालों से बीमार पड़ी है. आप सबको ये भी मालूम है कि संभावना काम करती है. अब इतने सालों से माँ बीमार थी, अब ये नहीं मालूम था कि अचानक माँ की हालत खराब हो जाएगी. संभावना ने बार बार ये कहा है कि माँ का ख्याल भाई भाभी और बाकी बहनें रखती हैं. मैं जब जाती हूँ तो मैं रखती हूँ, लेकिन मुंबई हम नहीं ला सकते क्योंकि माँ को पैरालाइज हुआ हुआ है, वो आ नहीं सकती. लेकिन अपनी माँ से वो बहुत प्यार करती थी. आपने देखा होगा कि अपने पापा के वक्त वो कितना तड़प तड़प कर रो रही थी. तो प्लीज किसी के बारे में ऐसे इल्जाम मत लगाएं, किसी के दुख को इतना मत कुरेदें. और अविनाश ने वो पोस्ट शेयर की थी और ये सेलिब्रिटीज का हक बनता है अपने फैंस के साथ दुख वाली बात भी शेयर करने का. संभावना के ऊपर ये तक इल्जाम लगाया कि जब माँ जिंदा थी तो संभावना माँ से नहीं मिलती थी, लेकिन आपने देखा होगा जब भी संभावना को वक्त मिलता था तो वो माँ के पास जाती थी और फूट फूट कर रोती थी. और जैसे ही संभावना को माँ की हालत खराब की खबर मिली, वैसे ही वो दौड़ी चली आई माँ के पास और दिन रात एक करके माँ के साथ रही. और अविनाश ने भी दामाद होने का हक अदा किया. प्लीज संभावना के दुख को मत इतना कुरेदें, किसी की हाय पड़ सकती है. ये बात सही है कि माँ बाप को खोने का दर्द बहुत ज्यादा सताता है.